आज इस वीडियो में जो प्लास्टिक का बॉल है इसको मैं कन्वर्ट करूँगी मून लैंप में। तो फिर इसका जो पीछे वाला पार्ट है उसको मैंने मिनी ड्रिल मशीन से इसका होल कर दिया है। आप इसमें सुई को गर्म करके भी इसके पीछे होल कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने इसमें से होल किया है। होल करने के बाद इसका जो बाकी का पार्ट है मैं इसको कट कर दूंगी। और अगर आपको क्राफ्ट की वीडियो देखनी है या फिर दिवाली डेकोरेशन की वीडियो या फिर हैंडमेड ज्वेलरी जैसे नोज पिन, नोज रिंग, टीका, नेकलेस, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट डाल कर रखा है, तो आप क्लिक कर सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपने अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर वाइट कलर कर दूंगी। क्योंकि जो मून है वाइट कलर का ही होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने वाइट कलर ही यूज़ किया है। अगर आपको कलर वाला बनाना हो तो आप इसमें रेड कलर भी कर सकते हैं या फिर आप इसमें येलो कलर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने टेप की रिंग ली है। जब टेप ख़त्म हो जाता है तो उसका जो रिंग बच जाता है वो लिया है मैंने। इसको मैं इसके ऊपर रख दूँगी। आप इसमें ढक्कन का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे जो बड़े ढक्कन होते हैं गोल साइज़ के, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अभी जो हॉल हमने इसमें किया था इसके अंदर मैं लाइट लगा दूँगी। जो डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं उसका मैंने यूज़ किया है इसमें। लाइट को इसके अंदर डाल दूँगी और जो थोड़ा सा पार्ट है उसको बाहर ही रहने देंगे, ताकि जब भी इसको हम ऑन कर सकें और इसके सेल को चेंज कर सकें। अभी जो रिंग है इसके ऊपर मैं ग्लू लगा दूंगी। आप इसमें अदर ग्लू का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे फेविकोल या फैब्रिक ग्लू है, अदर ग्लू का यूज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है B7000 ग्लू का नाम है ये। अब मैं इसको इसके ऊपर रख दूंगी। जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसका जो लाइट है वो मैं ऑन कर दूंगी। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई न्यू वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।